तो सर ये चक्कर तो छोड़िए, अब हमारी भी मजबूरी है कुछ ना। नहीं तो आप कम से कम पूछ तो लेते हम, आपने फाइल ले ली, हमने एक ही बार में फाइल ले ली आपसे, हमने सर लेकिन सर इस बार तो आप थोड़ा सा जी जो काटा उसको दिमाग से जो आदमी 2000 के 70% भाई हमारे पास वहाँ पर पेमेंट नहीं था जी 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 हमने बहुत रिक्वेस्ट भी की वहाँ पर डोभी बॉर्डर पे, हमने रिक्वेस्ट की, हमने सर फाइव जीरो फाइव नाइन है सर, यही फाइल है, यही सब कुछ है। कुछ तो सर थोड़ा बहुत वो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो ना सर, आपका कंप्यूटर आप ही का साइड है। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में, तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।